हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये चैनल में मैं नए नए हेल्थी और टेस्टी रेसिपी लेके आती हूँ। आज मैं आपको नए तरीके से नारियल का रोटी कैसे बनाते ये दिखा दूँगी। नारियल ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें ज़्यादा फाइबर होने के कारण डाइजेशन फास्ट होता है और इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसीलिए ये स्टेबल ब्लड शुगर को प्रमोट करता है। वेट लॉस के लिए एक कारीगर है और बैलेंस डाइट को बढ़ावा देता है। शुरू करते हैं बहुत ही आसान 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाला नारियल का रोटी। पहले एक कढ़ाई में एक कप पानी डालेंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको अच्छी तरह उबालेंगे। मैं एक कप कसा हुआ ताज़ा नारियल लिया है, उसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए, ग्राइंड होने के बाद नारियल पेस्ट इतना बारीक होना चाहिए। अब इस नारियल पेस्ट को उबालने के लिए रखा हुआ गर्म पानी में डाल देंगे। अब इसको एक उड़न स्पैचुला नहीं तो एक चम्मच से हिलाते रहिए। अब मैंने एक कप चावल का आटा लिया है, चावल का आटे को उबालते हुए पानी में धीरे धीरे डाल के हिलाते जाऊंगी ताकि गुठली ना बन जाए। अब इस आटे को एक बड़े बर्तन में निकाल के 3-4 मिनट ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। बाद में इसको हाथ से अच्छी तरह मल के एक डफ तैयार करेंगे। इस डब को लंबा रोल बना के उसमें से मीडियम साइज का गोले बना लीजिए। अब एक गोला लेके उसको हाथ से बड़ा करके चावल के आटे में डुबो के रोटी बेल लीजिए। आपको कितना बड़ा रोटी चाहिए उतना बड़ा बेल लीजिए। शेप देने के लिए एक मैंने ढक्कन ले लिया। अब उसको रोटी पे रख के हाथ से दबा के परफेक्ट गोल शेप दे दिया। अब इस रोटी को गरम करने के लिए रखा हुआ लोकन के तवे पे डाल के दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लीजिए। रोटी सेकते टाइम पे साइड में रोटी को दबाते जाइए, इससे रोटी अच्छी तरह से फूल जाएगा। एक रोटी को सेकने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट लगता है। तैयार हुआ रोटी को एक टोकरी में निकाल दीजिए। ये देखिए नारियल का रोटी कितना सॉफ्ट हुआ है। अब इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इसका पदर कैसे निकलता है और कितना पतला हुआ है, और खाने में तो एकदम टेस्टी है। एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन होता है। ये रेसिपी आपका फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी आपको पहले मिले। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दिल की बातें देर तक चलने दो।